तो दोस्तों, पिछली वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से राजपूत समाज और गुज्जर समाज के लोगों ने साथ बैठकर जो प्रतिमा का अनावरण होना है उसको लेकर जो विवाद हुआ था उसे शांति की बात कही थी, लेकिन करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष करण ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, सभी पत्रकारों को बुलाकर अपनी बात कही है। आइए सुनते हैं करण ठाकुर ने इस जो एक शांति समागम हुआ था राजपूत समाज और गुज्जर समाज के लोगों के बीच उसको लेकर क्या कुछ कहा है। कहा बताया जा रहा है राजपूत समाज इसका विरोध कर रही है, लेकिन आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है राजपूत महासभा और गुज्जर महासभा की। उन्होंने कहा कि हमारा कोई विरोध नहीं है। अब आप किस तरह से देखना चाह रहे हैं? देखिए, ये मुद्दा जो है सम्राट मेहर भोज जी का सबसे पहले करणी सेना ने उठाया था, और पहले दिन से ही करणी सेना लगातार इसमें जो है प्रशासन शासन माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने ज्ञापन के माध्यम से विधायक सांसदों के माध्यम से सूचनाएं भिजवाई हैं, और आज भी हम डीएम महोदय को और कमिश्नर साहब को हमने जो ज्ञापन दिया है, जब तक हमारी मांग ऑफिशियल रूप से मुख्यमंत्री कार्यालय से हमें ये आश्वस्त नहीं किया जाता है कि सम्राट मेज भोज के सामने कोई भी गुज्जर समुदाय का या किसी भी जाति का नाम नहीं लिखा जाएगा, तब तक श्री राजपूत करणी सेना इस मुद्दे को बराबर लेकर के खड़ी है। हम अपने स्टैंड पे कायम हैं, कोई भी इस तरह से बरगलाए नहीं समाज में कि भाई हम राजपूत सभा के क्षत्रिय महासभा के फलाने हैं। हम बिल्कुल भी इस बात को सिरे से खारिज करते हैं। ये सब बीजेपी के लोग हैं, उनके साथ मिले हुए लोग हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं और आकर के मीडिया को बरगला रहे हैं। करणी सेना बरकरार अपने स्टैंड पे कायम। अगर ये होता है तो हम मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम का विरोध करेंगे, हम बिल्कुल काले झंडे भी दिखाएंगे अगर हमें जरूरत पड़ी। आपका विरोध किस बात को है? शब्द को लेकर गुज्जर लिखा हुआ उसको लेकर? हमारा विरोध है कि सम्राट मेहरभोज किसी जाति के नहीं है। हम ये नहीं कह रहे हैं, वो राजपूत जाति से बिलोंग करते हैं, लेकिन वो देश के राजपूत राजा हैं। उन्होंने पूरे देश की लड़ाई लड़ी है, एक बहुत बड़ा साम्राज्य कायम किया था, तो इसलिए उनको किसी जाति विशेष से ना जोड़ा जाए। हमारा केवल इतना कहना है कि वो गुज्जर शब्द हटाया जाए, प्रतिमा का अनावरण करना है उन्हें करें, हमें कोई आपत्ति। लोगों ने कह रहे हैं कि राजपूत समाज से हैं। हाँ बिल्कुल, हमारे पास तथ्य हैं। नहीं, मैं अभी कमिश्नर डीएम महोदय को हमने तथ्यों के साथ पूरे उनके आज भी राजकुमार हैं नागौद में, वो चैलेंज कर रहे हैं, उनके हमारे पास सर्टिफाइड कॉपी है, इसमें डीएम साहब को मुख्यमंत्री जी को हमने दिए हैं। तो अगर गुज्जर समुदाय के पास इस तरह का कोई तथ्य तो आए हमसे जो है डिबेट करें। वो लोग ये कह रहे हैं कि पहले से क्यों नहीं इसका विरोध क्यों, क्योंकि उत्तराखंड में भी मूर्ति मतलब एक मूर्ति लगाई गई उनकी, उसके बाद दिल्ली में भी अनावरण किया गया था, तब क्यों नहीं किया गया? हमेशा विरोध किया गया, बार बार, लेकिन जो है जो हमारे जो नेता है उनको इस पूरे तथ्य का जानकारी होती नहीं है। वोट बैंक के लालच में वो जिसने जैसा कहा ऐसा मान लिया, उसके बाद उन लोगों से जाके मिलते हैं तो फिर वो माफी मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं, ये तो गलती होगी, अब बताओ आगे से क्या करेंगे। जो सम्राट मेहरभोज थे वो राजपूत राजा थे, और उनका किसी व्यक्ति के गुज्जर लिखने से वो गुज्जर नहीं हो जाएंगे, और पूरी वंशावली उन्होंने बदलने का काम किया है। यहाँ सांस्कृतिक मंत्रालय में भी एक लिस्ट लगी हुई है जिसमें जो है पूरा लिखा हुआ है कि भाई उसमें जो लिस्ट हमारे पास है वंशावली की, जो लिस्ट हमारे पास है वही लिस्ट है, वो भी पूरी पूरी सारी सारी, लेकिन उन्होंने काम इतना किया उसमें सब हर एक के पीछे केवल गुज्जर लिख दिया है और आधा इतिहास बताया गया है। तो मेरा व्यक्तिगत मानना ये है कि किसी व्यक्ति का, हमारे किसी महापुरुष का अपमान करने का उनका कोई अधिकार नहीं है। उनको कम से कम जिन भी महापुरुष जहाँ पे हैं वही रहने चाहिए। हमारे हैं वो कह रहे हैं हमसे, हम आप लोगों ने मूर्ति पहले क्यों लगाई? भैया हमारे पास मूर्ति लगाने का पैसा नहीं है, हम तो नहीं लगाए मूर्ति, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी मूर्ति लगाएगा और अपना नाम लिख देगा, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा छेड़छाड़ से। बिल्कुल नहीं। एक बात बता, अगर सरकार आपकी बात नहीं मानती है, मुख्यमंत्री इसी तरह से आकर अनावरण करते गुज्जर लिखी हुई मूर्ति का, तो फिर आपके पास विरोध का ऑप्शन आपके हमारे पास 2022 का विकल्प खुला हुआ है, तरीके से कोर्ट भी जाएंगे और 2022 का विकल्प हमारे पास खुला हुआ है। अब तक जो राजपूत समाज पूरा फुल फाइनल बीजेपी का और योगी आदित्यनाथ का कोर वोटर था वो नहीं रहेगा, क्योंकि हम लोगों को SC ST एक्ट मंजूर है, आरक्षण मंजूर है, वो जैसा हमारे साथ कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतिहास से छेड़छाड़ हमारे जो पूर्वज हैं उनके नाम पे धब्बा कतई मंजूर नहीं है। नहीं, अगर परसों जो मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो क्या उनका विरोध करेंगे? हम विरोध करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे निश्चित रूप से। हम अगर प्रशासन के माध्यम से हमें अगर ये नहीं बताया जाता है कि भाई आपके जो है इस समस्या का समाधान कर दिया गया है तो हम निश्चित रूप से विरोध करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे। और इसके 22 तारीख के बाद में हम संस्कृति मंत्रालय में भी, अगर इन्होंने वो सील नहीं हटाए तो करणी सेना घुस करके वो सील हटाएगी जिसपे इन्होंने गलत तरीके से इतिहास के साथ छेड़छाड़ किया है। क्यावली महापंचायत में 22 लड़कों पे FIR हुई है, सुनने में आया है।
ये हम तैयार हैं। मैं पहले भी कितनी बार करणी सेना जेल जा चुकी है, कितनी बार मुकदमे खा चुके हैं, हम अपने इतिहास के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। ये जेल भेजें, मुकदमे करें, हम इस बात से नहीं डरेंगे। अगर सरकार और प्रशासन हमें मुकदमों से डराएगी तो हम डरने वाले नहीं है, बिल्कुल ये हम तैयार हैं, सड़कों पर उतरेंगे, मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम का विरोध करें। राजपूत महासभा ने अभी जब प्रेस वार्ता करी थी और संयुक्त प्रेस वार्ता हुई थी उनके साथ में, तो उन्होंने कहा था कि करणी सेना बाहर के लोग हैं जो कि राजस्थान से यहाँ पे आकर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। करणी सेना में खलेदा से गौतम बुद्ध नगर का मूल निवासी हूँ और करणी सेना पश्चिमी यूपी का अध्यक्ष हूँ मैं। मेरे सामने आए कौन कहता है इस बात को कि वो ठेकेदार है क्या? कौन सी राजपूत महासभा है जो कल हमारे बच्चे वहां पे पिट रहे थे, यूपी पुलिस लाठियां भाज रही थी उनके ऊपर, 200 लड़कों के ऊपर मुकदमे लिखे गए, कहां है वो राजपूत महासभा? किसी राजपूत महासभा के ऊपर एक मुकदमा लिखा गया है? सारे करणी सैनिक जिनके ऊपर मुकदमा लिखा गया, फैसला भाई साहब उसी का होता है जिसके साथ विरोध होता है। आइए चैलेंज करता हूं मैं, कल कहां थी ये राजपूत महासभाएं? ये करणी सेना का मुद्दा है और करणी सेना मूल है, भारतीय है, हम सब भारतीय हैं, हिंदुस्तानी, राजस्थान हिंदुस्तान से बाहर नहीं है, वो भी राजस्थान में। अगर मुकदमे वापस नहीं किए जाते हैं आपके, अगर तो आपकी रणनीति क्या रहेगी? देखिए अभी हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, अभी हम अनावरण की जो लड़ाई है, जो गलत तरीके से मूर्ति का अनावरण किया जा रहा है, अभी हमारी लड़ाई ये है, उसके बाद मुकदमों को लेकर भी हम आएंगे, अगर मुकदमे वापसी नहीं होंगे तो उसके लिए भी सड़कों पर उतरेंगे। गलत तरीके से कैसे, एक बार बता दो। देखिए हम आज अगर कोई आम जन कोई भी पंचायत करता है, कोई भी आंदोलन करता है, तो उसके ऊपर मुकदमे लिखे जाते हैं। क्या मुख्यमंत्री जी कल आ रहे हैं, परसों क्या कोरोना भाग जाएगा? परसों कोरोना नहीं है। अगर आमजन कोई आंदोलन करे या पंचायत करे तो कोरोना का डर, अगर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री लाखों की भीड़ इकट्ठा करें तो कोरोना छुट्टी पर चला जाता है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं करें। गुर्जर महासभा का कहना है कि ये मूर्ति तो पहले ही लगी चुकी है उनकी। नहीं पहले कोई मूर्ति, पहले सम्राट मेहर भोज के नाम से ही कॉलेज है, सम्राट मेहर भोज के नाम से ही मूर्ति है, सम्राट मेहर भोज के नाम से पार्क है, सिटी पार्क है, और सम्राट मेहर भोज के नाम से आप अनावरण कीजिए, हमें कोई आपत्ति। कुछ पत्थर जो सन्यास किए हुए हैं वहाँ लिखा हुआ है गुर्जर, जो यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ शब्दों का फेर है, गुर्जर प्रतिहार है, वो एक राज्य का नाम गुर्जर है, ये कोई गुर्जर बिरादरी नहीं है, ये राज्य है गुर्जर, जिन गुर्जर प्रतिहार, वो वहाँ उनको राजा थे, उन्होंने बड़ा बहुत बड़ा साम्राज्य, वहाँ पे गुजरात भी आता था, और आज वो मध्य प्रदेश में उनका राजमहल आज भी है, वो राजपूत प्रतिहार हैं, उनके राजा साहब भी हैं, उनको बुलाएंगे हम, आपके साथ बैठाएंगे, कॉन्फ्रेंस भी कराएंगे प्रोग्राम। तो मुख्यमंत्री आ रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? मुख्यमंत्री जी हम कहना चाह रहे हैं कि सम्राट मेहर भोज के नाम से आप पत्थर का अनावरण करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है, मूर्ति का अनावरण सम्राट मेहर भोज के नाम से हमें मंजूर नहीं है, इसमें हमें जो पूरा जो शब्द है लक्ष्मण जी के वंशज हैं, लक्ष्मण वंशी राजपूत सम्राट कर लो, जो कि आज नागौर स्टेट में मैं करणी सेना का प्रदेश महामंत्री हूँ, और हमने वो सारे एविडेंस आज भी डीएम साहब को दिए हैं, तो जो भी अब तक के जो एविडेंस के माध्यम से, या जो हमारे राजकुमार हैं अरुणोदय सिंह परिहार जी, मैं आप सभी मीडिया बंदों से मैं कहना चाहूँगा, आपकी तो वहाँ पे विंग है, आपके जो लोग हैं आप उनको भेजिए, उनके पास में वो बताएंगे वो क्या वंशावली है पूरी, सारी वंशावली चेंज करने के बाद में पूरा एक गलत इतिहास सब लोगों के सामने पेश किया जा रहा है। पर्यटन संस्कृति मंत्रालय में डॉक्टर महेश शर्मा जी का सारा ये किया हुआ है, सारे विवाद की जड़ इस गौतम बुद्ध नगर में तो जमाई है गुर्जर और राजपूतों के बीच में, वो उन्होंने किया है सारा, मैं आरोप लगा रहा हूँ। अगर आप गुर्जर इतिहास को या राजपूत इतिहास को गलत तरीके से पेश नहीं करते तो शायद ये नौबत नहीं आती, उनकी इतनी हिम्मत नहीं थी। सम्राट मेहरभोज के नाम से उन्होंने ही आज तक जो भी पार्क करवाए हैं, जो भी करवाए वो चल रहा था उनका, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि गुर्जर सम्राट मेहरभोज कराने की उनकी हिम्मत इसलिए बढ़ गई है क्योंकि पर्यटन मंत्रालय एक सरकारी दस्तावेजों में उसको छाप कर एक आगे उनको प्रोत्साहन करने का कहीं ना कहीं प्रयास किया है। तो ये हम चैलेंज करेंगे कोर्ट में, ऐसी बात नहीं है, लड़ाई अब जब शुरू हुई है तो अच्छे तरीके से लड़ेंगे। आप जो कह रहे हैं कि अलग अलग जगहों पर सड़कों पे उत्तराखंड में अलग अलग स्टेटों में जहाँ पे इस तरीके की मूर्ति अनावरण किया गया है, देखिए हमारे जो राजपूत नेता हैं, जो मंत्री हैं, जो पॉलिटिशियन होता है, उसे जातियों का वोट बैंक गणित वो उस तरीके से प्रस्तुत वो करते हैं, होता क्या है कि जाति एक दूसरी जाति से प्लस होती है तभी उनका वो चीज़ें निकल के आती हैं राजनीति के, लेकिन ये मामला राजनीतिक नहीं है। पहली बात तो जब वो लड़ाई हमने वहाँ पर विरोध किया था, व्यापक विरोध जो इस बार जो हो रहा है उसका कारण ये है क्योंकि ये एक साल के अंदर पिछली 5 घटनाएं ऐसी जल्दी जल्दी घट गई हैं, इन लोगों ने ना तो कोई सुनवाई करी और हिम्मत लगातार इनकी इतनी इस तरीके से बढ़ती जा रही है। अब हमें जब स्वयं मुख्यमंत्री भी इस चीज को ऑफिशियल हिम्मत बढ़ती जा रही है, जो ये आपका गुर्जर समाज है इन लोगों की जो इतिहास को विकृत करने का प्रयास कर रहे हैं, हिम्मत इतनी बढ़ गई है गुर्जर समाज की, इतनी हिम्मत बढ़ती जा रही है जी कि भाई कम से कम आप गलत, ऐसा नहीं है पूरा गुर्जर समाज में शामिल है कुछ, जो मैं आप खुद बता रहा हूँ, एक स्टेटमेंट देखिए, कर्नल किरोड़ीमल बैसला जी हैं राजस्थान से, उन्होंने अपने सुप्रीम कोर्ट के हलफनामे में जब रिजर्वेशन की मांग की थी तो उसमें साफ साफ लिखा है कि हमारा जो है हम जनजाति हैं और हमारा इस तरीके से ट्राइबल हम यहाँ पे ऐसे ऐसे रहे हैं,
तो जब वो हलफनामा आप निकाल के देखेंगे तो वो एक अलग स्टेटमेंट उनका दिखता है। यहाँ पे क्योंकि अब चीजें थोड़ा आर्थिक संपन्नता या वो सब चीजें आ गई, तो अब उनको रॉयल्टी भी चाहिए, मतलब रिजर्वेशन भी चाहिए और रॉयल्टी भी चाहिए एक तरीके से। तो वो एक इतिहास को अपना आप कहीं ना कहीं एक हीरो आदमी ढूंढता है कि इतिहास में भी हो और वर्तमान में भी हमारा कहीं ना कहीं हीरो हो। तो इन सब में एक सारी एक बहुत बड़ी साजिश है। मुख्यमंत्री जी को मुझे लगता नहीं कि ऐसी जानकारी नहीं है, अब तक जानकारी उनको हो चुकी है। अगर जानकारी के बावजूद भी वो आ रहे हैं षड्यंत्र में, अगर वो फंसना चाह रहे हैं, क्योंकि 14% कोर वोटर यहाँ पे उत्तर प्रदेश में राजपूतों का है, यहाँ पे 0.6% गुजरों की आबादी भी है, कहीं कहीं कुछ सीट ऐसी भी है जहाँ गुजर और राजपूत मिलके एक उनके कैंडिडेट को जिताते भी हैं। तो ये एक षड्यंत्र है इस तरीके का कि दोनों जातियों में विभेद पैदा करके उनके वोट बैंक को तोड़कर और उनको कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से नुकसान पहुंचाया जाए। ठीक, पूरा जो प्रकरण है वो इस तरीके से। ठीक।